नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। दोस्तों, तूफानी शतक जड़कर रोहित शर्मा ने रचा इतिहास, एक साथ तोड़े 6 महारिकॉर्ड, गांगुली को पछाड़ा। जी हाँ दोस्तों, बात करने वाले हैं पूरी खबर की, लेकिन दोस्तों उससे पहले यदि आप रोहित शर्मा के फैन है तो वीडियो को लाइक करना नहीं भूलिएगा। और दोस्तों यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आपको हमारी वीडियोज मिले सबसे पहले। दोस्तों, आज टीम इंडिया और बांग्लादेश के बीच इस वर्ल्ड कप का 40वां मुकाबला खेला गया, जिसमें भारत ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का फैसला किया। रोहित और राहुल ने मिलकर टीम को एक धमाकेदार शुरुआत दिलाई। रोहित और राहुल ने मिलकर पहले विकेट के लिए 180 रनों की साझेदारी की, जिसमें रोहित शर्मा ने अपने वनडे कैरियर का 26वां शतक जड़ा। रोहित ने आज 92 गेंदों में 104 रनों की तूफानी पारी खेली, जिसमें उन्होंने 7 चौके और 5 छक्के लगाए। इस पारी के दौरान उन्होंने कई रिकॉर्ड अपने नाम किए, तो चलिए जानते हैं इनके बारे में। तो दोस्तों, पहला रिकॉर्ड रोहित शर्मा ने शतक जड़कर रचा इतिहास। इस वर्ल्ड कप में ये रोहित शर्मा का कुल 4वां शतक है। इस तरह वो वर्ल्ड कप के एक सीजन में सर्वाधिक 4 शतक जड़ने वाले दुनिया के दूसरे और भारत के पहले बल्लेबाज बन गए। इस तरह उन्होंने गांगुली का रिकॉर्ड तोड़ दिया। दूसरा बड़ा रिकॉर्ड दोस्तों वर्ल्ड कप के इतिहास में ये रोहित का ओवरऑल 5वां शतक है। इस तरह उन्होंने श्रीलंका के कुमार संगकारा के 5 शतकों की बराबरी कर ली। वर्ल्ड कप में सर्वाधिक शतक जड़ने का रिकॉर्ड सचिन के नाम है, उन्होंने कुल 6 शतक जमाए हैं। दोस्तों, अगर तीसरे रिकॉर्ड की बात करें तो रोहित शर्मा ने आज वनडे में अपना 26वां शतक जड़ा। इस तरह उन्होंने एबी डेविलियर्स के 25 शतकों का रिकॉर्ड भी तोड़ दिया। अब रोहित शर्मा वनडे में सर्वाधिक शतक जमाने वाले 6ठे बल्लेबाज बन गए हैं। वहीं दोस्तों, अगर चौथे रिकॉर्ड की बात करें तो रोहित शर्मा ने अपनी 104 रनों की शतकीय पारी में इस वर्ल्ड कप में 500 रन पूरे कर लिए। इस वर्ल्ड कप में उनके नाम अब कुल 544 रन दर्ज हो गए हैं। इस तरह उन्होंने डेविड वार्नर के 516 रनों के रिकॉर्ड को भी तोड़ दिया है। दोस्तों, अभी इनके रिकॉर्ड का सिलसिला थमा नहीं, पांचवे रिकॉर्ड की बात करते हैं। रोहित शर्मा वर्ल्ड कप के इतिहास में 500 रन बनाने वाले दूसरे भारतीय बल्लेबाज बन गए। उनसे पहले सचिन ने ये कारनामा 2 बार किया था। सचिन ने साल 1996 में और 2003 में 500 से अधिक रन बनाए थे, और उनके बाद आज रोहित शर्मा ने कारनामा कर दिखाया। 6ठे रिकॉर्ड की बात करें तो रोहित और राहुल ने मिलकर पहले विकेट के लिए 180 रन जोड़े। यह वर्ल्ड कप में भारत के लिए पहले विकेट की सबसे बड़ी साझेदारी का रिकॉर्ड है। हालांकि लोकेश राहुल और रोहित शर्मा के बाद कोई भी बल्लेबाज ज्यादा अच्छी पारी नहीं खेल पाया। दोस्तों, आप खबर के ऊपर क्या कहना चाहेंगे और रोहित शर्मा के ऊपर आपकी क्या राय है, आप अपनी राय हमें कमेंट में जरूर बताएं। यदि आपको जानकारी पसंद आई हो तो इसे लाइक करें। धन्यवाद।